हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो सुनने मात्र से ही रूह कांप जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था ग्रेग रास्मुसेन के साथ। ये प्लेन एक ऐसे जंगल में क्रैश हुआ जहां ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। यहां तक कि उस प्लेन क्रैश की वजह से उनके पैरों की दोनों हड्डियां भी टूट चुकी थी। ऐसे में जंगली जानवरों से बचने के लिए वो कहीं भाग भी नहीं सकते थे। कैसे इस तरह के हालात में उन्होंने खुद को जिंदा रखा, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल 2003, जिम्बाब्वे। ग्रेग अपने प्राइवेट प्लेन से होवांग नेशनल पार्क में राइनोस को खोजने जाने वाला था, जो कुछ दिनों से मिसिंग होने का रिपोर्ट दर्ज किया गया था। दरअसल ये पार्क 14,000 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में फैला हुआ है, जहां पर दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर रहते हैं। इन जानवरों में हमेशा शिकार होने का और विलुप्त होने का खतरा मंडराता रहता है। होवांग नेशनल पार्क एक प्योर वाइल्ड एरिया है, जहां हर किस्म के जानवर आपको देखने को मिल जाएगा। इन जानवरों की सुरक्षा के लिए ग्रेग जैसे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट काम किया करते थे। ग्रेग मिसिंग राइनोस को खोजने के लिए एक छोटे से प्लेन से टेक ऑफ किया। कुछ ही देर में वो उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां राइनोस होने की संभावना थी। वो तुरंत ही ट्रैकिंग डिवाइस से राइनोस को ट्रैक करने लगा। ये ट्रैकिंग डिवाइस राइनोस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, जिससे राइनोस को खोजने में बहुत ही सुविधा होता था। कुछ ही देर में उस ट्रैकिंग डिवाइस ने राइनोस को ट्रैक कर लिया। ग्रेग को वो राइनोस दिख भी रहा था, जो पूरी तरह सुरक्षित घूम रहा था। अब उन्होंने वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जैसे ही ग्रेग ने प्लेन को घुमाया, तभी अचानक से प्लेन का इंजन बंद हो गया। ग्रेग फिर से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार इंजन स्टार्ट करने के बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। उधर प्लेन भी तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। कुछ ही देर बाद ये प्लेन धरती से टकरा गया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद ग्रेग बेहोश हो गया, लेकिन जब पेट्रोल उसके ऊपर गिरने लगा तब उसे होश आया। खुद को जिंदा देख उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पायलट होने की वजह से उन्हें पता था कि शायद ही कोई इंसान प्लेन क्रैश के बाद जिंदा बच पाता होगा। इसके बावजूद भी वो अभी तक जिंदा था। ज्यादातर लोग प्लेन क्रैश की वजह से नहीं मरते, बल्कि प्लेन क्रैश के बाद लगने वाली आग की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सब उन्हें पता था। प्लेन में अभी तक आग नहीं लगी थी। होश आते ही ग्रेग तुरंत वहां से भागना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी और उसे अब दर्द भी होने लगा। फिर भी ग्रेग दर्द को बर्दाश्त करते हुए रेंगते रेंगते वो प्लेन से दूर चला गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि हम रेडियो से कांटेक्ट करके मदद बुला सकते हैं। इसलिए ग्रेग अपने जान को जोखिम में डालते हुए एक बार फिर से प्लेन के पास पहुंच गया, जहां पर उन्होंने रेडियो के जरिए संपर्क करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। ये सब देखते हुए ग्रेग अपने हालत पर चीखने चिल्लाने लगा। प्लेन में ना तो खाने के लिए कुछ खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। दरअसल इससे पहले वो कई बार प्लेन में सफर कर चुका था और वो समय अनुसार ठीक ठाक वापस भी पहुंच जाता था, इसलिए उसे कभी भी ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद उनके पैरों में जोर का दर्द होना स्टार्ट हो गया, इतना दर्द कि वो पैरों में पहने जूते को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मदद के लिए वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। वहाँ से कुछ दूर उसे एक छोटा से पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ तक पहुंचकर अपने आप को सपोर्ट कर लिया, लेकिन वो एक कांटे का पेड़ था, जिसकी वजह से उस पेड़ के कांटे उसके पीठ पर चुभने लगी। इसके बावजूद भी वो उसी पेड़ पर टिका रहा और लकड़ी तोड़कर जूते के लेज को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद ग्रेग अपने जूते के लेज को खोलने में सफल रहा, लेकिन अभी भी उसके पैरों में जोर की दर्द थी इन्हीं जूतों की वजह से। इसलिए वो अपने जूतों को भी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हड्डियां टूटने की वजह से उनके पैरों में सूजन हो चुकी थी, जिसकी वजह से जूते पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। फिर भी ग्रेग हिम्मत करके जूतों को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे याद आया कि अधिकांश लोग दर्द बर्दाश्त करने के लिए मुंह में कुछ रख लेते हैं, इसलिए ग्रेग ने अपने मुंह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया और जूते खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसे दर्द हुआ, उसने उस लकड़ी को चबा दिया। दरअसल वो लकड़ी सड़ चुकी थी और उसमें दीमक लगा हुआ था। लगातार कोशिश करते रहने की वजह से वो जूतों को निकालने में सफल रहा, लेकिन सिर्फ इन जूतों को निकालने में करीब 2 घंटों का वक्त लग गया और अब दोपहर हो चुकी थी। कड़ी धूप की वजह से अब उसे प्यास लगने लगी, पर उसके पास ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। वहीं दूसरी ओर 350 किलोमीटर की दूरी पर उसका दोस्त पीटर उसके आने का इंतजार कर रहा था। ये दोनों अफ्रीकन डॉग को बचाने के प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे। दोनों का एक ही जैसा
ऐसा पैशन था। तभी पीटर को एक कॉल आया कि ग्रेग मिसिंग है और वो प्लेन को लेकर राइनोस को खोजने गया था जो अभी तक वापस नहीं लौटा। इतने समय में तो उसे वापस लौट आना चाहिए था। अब उसके गए 5 घंटों से भी अधिक समय गुजर गया। ये सुनकर पीटर उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। वहीं ग्रेग खुद को कड़ी धूप में भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्रेग ने देखा कि उससे कुछ दूर एक गिद्ध बैठा हुआ था जो ग्रेग के मरने का इंतजार कर रहा था। पर ग्रेग इतना भी कमजोर नहीं था कि वो जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ले। लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था सिवाय किसी के आने के इंतजार के अलावा। वो मन ही मन डर भी रहा था कि अगर शाम होने से पहले उन्हें कोई नहीं बचाता तो रात होते ही जंगल के खतरनाक जानवर शिकार पर निकलेंगे और उन जानवरों को मुझे मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि मैं उनसे बचने के लिए अपना बचाव भी नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए वो बहुत डर गया और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह की तलाश करने लगा। पर उस वक्त उसे प्लेन के मलबों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली वो प्लेन के पास जाकर रात होने का इंतजार करने लगा। तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद कोई जानवर उसके नजदीक आ रहा है क्योंकि ग्रेग पायलट होने के साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट भी था और इतने सालों से काम करने की वजह से वो किसी भी जानवरों के कदमों की आहट से ही उसे पहचान लेता था कि आखिर वो कौन सा जानवर है। उन्होंने पीछे देखा, एक हाथियों का झुंड उसी की ओर आ रहा था। ग्रेग को अच्छी तरह से पता था कि अगर हाथी आपको पहले ही देख ले तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वही हाथी अगर आपको अचानक से देख ले तो वो डर जाएगी और अपने बचाव के लिए हमला भी कर सकती है। इसलिए ग्रेग एकदम से शांत हो गया और हाथियों के आने का इंतजार करने लगा। शायद आज ग्रेग की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि हाथियों के झुंड ने बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस चला गया। अब ग्रेग अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा। अब उसके शरीर में इतना भी पानी नहीं बचा था कि उनके रोने के बावजूद भी आंख से आंसू भी नहीं निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त पीटर उसे खोजने के लिए उस पार्क में चला गया। पर आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि होवांग नेशनल पार्क लगभग 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में किसी को खोज पाना बेहद ही मुश्किल है। इसके बावजूद पीटर अपने एक दोस्त नॉर्मन के साथ उसे खोजने की कोशिश कर रहा था। पीटर को ये पता था कि अगर हम राइनोस को खोज लेते हैं तो ग्रेग भी हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें सबसे पहले राइनोस को ढूंढना होगा। लेकिन उसे ट्रैक करने का वो डिवाइस ग्रेग अपने साथ ले गया था और बिना ट्रैकिंग डिवाइस की राइनोस को खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। नॉर्मन बताता है कि एयर सर्च शुरू कर दिया गया है पर अभी तक ग्रेग की कोई भी खबर नहीं मिली। पीटर को इतना अनुमान लग चुका था कि अगर ग्रेग प्लेन क्रैश से बच भी गया तो उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा क्योंकि जंगली जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग रेंगते रेंगते क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच गया जहां उसे छांव भी मिल रहा था। तभी उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई दिया। वो तुरंत ही उस आहट को पहचान लिया। ये आहट एक शेर की थी जो ठीक उसी की तरफ आ रहा था। अब ग्रेग बहुत ही ध्यान से उसके पैरों की आहट सुनने लगा। ये शेर उसके करीब आ रहा था लेकिन कुछ देर बाद एक आवाज से वो समझ गया कि वो एक फीमेल शेरनी है। ग्रेग बायोलॉजिस्ट होने की वजह से उन्हें पता था कि इन जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। दरअसल जंगली जानवर एकदम से आने वाली आवाज से डरती है, इसलिए ग्रेग सही समय का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रेग ने शेर को देखा तो वो एक डंडे से प्लेन को जोर जोर से पीटने लगा। एकदम से आवाज आने की वजह से वो शेरनी उस एरिया से दूर चली गई। पर ये तो सिर्फ शाम होने की एक शुरुआत थी, अभी तो पूरी रात बाकी था। ज्यादातर जानवर यहाँ पर रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम होने की वजह से ग्रेग को ढूंढने वाली दूसरी प्लेन वापस लौटने लगी। इसी प्लेन की आवाज ग्रेग को सुनाई दिया। ग्रेग प्लेन को देखकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा लेकिन धीरे धीरे प्लेन की आवाज धीमा पड़ने लगा और धीरे धीरे ये आवाज भी शांत हो गया। ग्रेग ये सब देखकर काफी निराश हो गया क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि सुबह होने से पहले अब कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन उसके लिए सुबह तक बिना खाए पिए जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। शाम के 6 बज चुके थे इसलिए पीटर और उसका दोस्त वापस अपने बेस पर लौट गए। लेकिन पीटर का दिल नहीं मान रहा था कि वो ग्रेग को बिना ढूंढे इसी तरह से बैठा रहे, इसलिए पीटर अकेले ही ग्रेग को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्रेग भूख प्यास और दर्द से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा जबकि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। हो सकता है वो कल का सूरज भी नहीं देख पाए। उधर पीटर ग्रेग को ढूंढने तो निकल गया पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रेग जिंदा है भी या नहीं। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा
जा रहा था। रात के अंधेरे में किसी को भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर बाद रात हो गई। ग्रेग बहुत ही चौकन्ना था। रात के अंधेरे में भेड़िया पीछे से हमला करने में काफी माहिर होती है, इसलिए ग्रेग को सबसे अधिक डर भेड़ियों से लग रहा था। उधर पीटर भी रात होने की वजह से वापस कैंप में लौट गया। ग्रेग रात भर जागता रहा इस डर से कि कौन सा जानवर उसका शिकार कर ले। इसी तरह से सुबह के करीब 4 बज गए। तब ग्रेग ने ये महसूस किया कि एक लकड़बग्घा उसी की ओर आ रहा है। अब उसने फिर से वही पुराना टेक्निक इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले लकड़बग्घे को करीब आने दिया। जैसे ही लकड़बग्घा करीब आया, ग्रेग प्लेन के बॉडी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तब उसे रियलाइज हुआ कि लकड़बग्घा वापस जाने लगा। ये खतरा तो टल गया, लेकिन अभी भी सुबह होने में करीब 1.5 घंटे का समय बचा था। उधर पीटर भी अपने बेस पर सो ना सका। इससे पहले कभी भी पीटर को रात इतनी लंबी नहीं लगी थी जितनी कि आज की रात उसे लग रहा था। पीटर अपने ऑफिस में बात करके अधिक से अधिक लोगों को उसे ढूंढने के लिए बात किया। कुछ ही देर बाद सुबह होने लगी। ग्रेग इतनी जख्मी हालत में भी किसी तरह से रात बिता लिया, वो भी एक ऐसे जंगल में जहाँ पल पल खतरे की घंटी बजती रहती है। उगते सूरज को देखते हुए ग्रेग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे आज नहीं बचाया जाएगा तो वो भूख और प्यास से वहीं पर मर जाएगा। सुबह के करीब ठीक 7 बजे ग्रेग को ढूंढने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ किया जिस पर नॉर्मन भी बैठा हुआ था, क्योंकि पीटर ये जानता था कि नॉर्मन ही वो शख्स है जो इस जंगल से पूरी तरह से वाकिफ था। और नॉर्मन ये जानता था और राइनोस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। सभी लोग आसपास के एरिया में नजर बनाए हुए थे, पर अभी तक किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब प्लेन उस तरफ जाने वाला था जिस ओर ग्रेग गया हुआ था। उधर ग्रेग टूटे हुए शीशे को चाट रहा था ताकि रात में जमी ओस को पी सके। तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई दिया। प्लेन धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अब वो एक स्टील के पाइप को लहराना शुरू कर दिया। तभी नॉर्मन को जमीन पर कुछ चीज चमकते हुए दिखाई दिया। नॉर्मन तुरंत ही सर्च ग्रुप को उस लोकेशन को बता दिया, क्योंकि उस जगह पर ये प्लेन लैंड नहीं कर सकता था। अब लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए प्लेन वापस लौट गया। ग्रेग को अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी उसे किसी इंसान के चलने की आहट सुनाई दिया। उसने सामने देखा, पीटर और नॉर्मन आ रहे थे। ग्रेग को देखते ही पीटर और उसके सभी दोस्त दौड़ने लगे। ग्रेग की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, इसके बावजूद भी वो अभी भी जीवित था। उन्होंने तुरंत ही ग्रेग को पानी पिलाया। पीटर को देखकर ग्रेग बेहद खुश हो गया, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो पीटर को धन्यवाद कह सके। तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां 100 से भी अधिक ऑपरेशन होने के बाद ग्रेग पूरी तरह से चल पाने में सक्षम हो गया। ठीक होने के बाद ग्रेग फिर से अपने काम पर लग गया, पर उसके बाद उसने कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया। ग्रेग आज भी जिंदा है और अपनी जिंदगी जी रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।